स्वागत आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो भाई साहब जवान की डे 29 की यानी कि गाइस कल थर्सडे की ऑफिशियल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आ चुकी है। और भाई भाई मैंने जितना एक्सपेक्ट किया था, मतलब कि अर्ली एस्टिमेट कितना था, 1.85 करोड़ का। और मैंने आपको बोला था ना कि भाई फिल्म जिस तरह से चल रही है ऑफिशियल कलेक्शन मे बी 1.75 करोड़ तक आ ही जाएंगे। लेकिन जो ऑफिशियल कलेक्शन आई है भाई वो अर्ली एस्टिमेट से भी ज़्यादा आई हैं। आउटस्टैंडिंग, मतलब कि भाई जवान एक ऐसे मोड़ पर है ना कि भाई साहब इसको डे बाई डे डाउन होना चाहिए। लेकिन ये डे बाय डे डाउन नहीं हो रही, बिल्कुल इक्वल कलेक्शन कर रही है, बल्कि उससे भी ज्यादा कर रही है। तो गाइस जब ऐसा होता है तो वो किस चीज की निशानी होती है कि फिल्म बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर है। और ये तो हमको पता ही है कि फिल्म बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर है। सो अभी गाइस कल कितना आया कंप्लीट आपको बताता हूं, लेकिन बताने से पहले वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस मैं आपको लाके देता रहूं। तो गाइस मैं आपको बताता चलूं, कल यानी कि गाइस डे 29 पे हिंदी से अर्ली एस्टिमेट सबसे पहले गाइस कितना था, 1.75 करोड़ का। हिंदी से अर्ली एस्टिमेट 1.75 करोड़ का था, ऑफिशियल कलेक्शन आई है 1.78 करोड़ रुपीस। ओ भाई साहब 1.78 करोड़ रुपए की हिंदी से ऑफिशियल कलेक्शन। तमिल और तेलुगु से आया 8 लाख रुपए। अगर मैं इसको टोटल करता हूं तो गाइस ये बनता है ऑलमोस्ट 1.8586 करोड़ रुपए, यानी कि जितना अर्ली एस्टिमेट था उससे भी ज्यादा। और गाइस ये मतलब कि एक अलग ही सीन है। देखिए ना, हम जब देखिए मैंने आपको क्या बोला कि जवान, मतलब कि शाहरुख खान जो है ना वो जवान में भी इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर रहे हैं, वही सीन हुआ। यानी कि मैं तो इजीली सोचकर बैठा था कि फिल्म जिस मोड़ पे आई है अब डाउन ही जाने वाली है, लेकिन भाई अर्ली एस्टिमेट जितना, और आपको पता भी है कि भाई अभी आके जितना अर्ली एस्टिमेट अगर फिल्म उतना ही कमाती है तो हमारी जो प्रिडिक्शन है कि 600 करोड़ हिंदी से, मतलब कि क्या पता 600 करोड़ हिंदी से आ जाए नेट कलेक्शन और 1200 करोड़ की वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन, तो ऑफकोर्स गाइस वो तभी पॉसिबल है कि अभी कलेक्शन इक्वल रहे। जैसे गाइस देखिए ना, हमारा अर्ली एस्टिमेट हिंदी से कितना था, 1.75 करोड़। मैंने आपको बता दिया 1.75 करोड़, लेकिन मेरे माइंड में यही चल रहा था कि यार अगर अर्ली एस्टिमेट इतना है तो मूवी की ऑफिशियल कलेक्शन इससे कम आएंगी, मे बी 1.66 करोड़, मे बी 1.70 करोड़ इतना आ सकता है। लेकिन ऑफिशियल कलेक्शन 1.75 करोड़ से भी ज्यादा, 1.78 करोड़, जो कि देखिए कुछ लोगों को ये बहुत कम लगेंगे कि, लेकिन मुझे पता है कि इनकी क्या वैल्यू है, क्या इंपॉर्टेंस है और ये कितनी ज्यादा है। इतना नहीं, अगर मैं आपको बताऊं तो फर्स्ट 29 डेज तक, यानी कि गाइस कल तक, मतलब कि कल थर्सडे तक इंडिया से, यानी कि गाइस इंडिया के अंदर हिंदी से टोटल नेट कलेक्शन हो गई 560 करोड़ रुपए, 560 करोड़ रुपए। तमिल और तेलुगु से आ चुका है 59 करोड़ रुपए। टोटल हो चुका है ऑलमोस्ट 619 करोड़ रुपए के आसपास, मतलब कि 619-20 करोड़ हो ही चुका होगा। अब गाइस ये कुछ छोटी मोटी कलेक्शन है, लेकिन सारी बातें छोड़कर सबसे पहले हिंदी से हो चुका है 560 करोड़ रुपए, तो क्या 40 करोड़ रुपए की और नेट कलेक्शन आ सकती है या नहीं? क्योंकि गाइस देखिए अभी ऑलमोस्ट 30 दिन और रहते हैं, यानी कि 30 दिन बाद इसने ओटीटी पर आना है, 30 डेज तक ये चलेगी ही चलेगी। तो गाइस 30 दिन में क्या लगता है, क्या 1-1 करोड़ रोजाना आ सकता है? अभी तो खैर ऊपर चल रही है, 1.5 करोड़ से भी ऊपर चल रही है, लेकिन क्या लगता है 1-1 करोड़ आ सकता है? अगर तो आता है देन गाइस चांसेस है कि ये फिल्म मे बी अगर 600 करोड़ की हिंदी नेट ना भी कर पाई, लेकिन लेकिन उसके आसपास जरूर चली जाएगी। यानी कि मेरी प्रिडिक्शन है ऑलमोस्ट 680-690 करोड़, तो उतना ही जाएगी। क्योंकि आपको पता है अभी लियो भी हिंदी में बहुत फेमस हो रही है, भले ही गाइस ये नेशनल चेन्स में नहीं रिलीज हो रही, लेकिन गाइस उसके बाद भी लियो हिंदी में रिलीज होगी, गणपत ने रिलीज होना है, उनको स्क्रीन्स मिलेंगी, तो गाइस उसके बाद और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डाउन होगी। और जब गाइस जब लियो और गणपत आएंगे तब जवान को रिलीज हुए 1 month और 20 दिन हो चुके होंगे। सो होप फॉर द बेस्ट, लेट्स सी देखते हैं क्या होता है। बाकी आपकी क्या प्रिडिक्शन है नीचे बताइएगा। होप सबको वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।